तो आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से और एक्सरसाइज है 20। और जैसे कि आप डायरेक्शन में देख रहे हैं, निर्देश में क्या कहा जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ईच ऑफ द वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज यानी पार्ट ऑफ स्पीच के कौन सा भाग है, इज ईच ऑफ द वर्ड्स यानी प्रतीक शब्दों में, ठीक है, प्रतीक शब्द जो है पार्ट ऑफ स्पीच के कौन सा भाग है, इन दिस सेंटेंसेज यानी इन वाक्यों में, इन वाक्यों में प्रतीक शब्द जो है पार्ट ऑफ स्पीच के कौन सा भाग है। यानी कि इस तरह से आपको लिखना है, शब्द के नीचे जैसे नाउन रहे तो आपको एन लिखना है, यदि प्रोनाउन रहे तो पीआर लिखना है, अगर वर्ब रहे तो भी लिखना है, और एडजेक्टिव रहे तो एडी जे लिखना है, ठीक है, और एडवर्ब रहे तो एडी भी लिखना है, और प्रीपोजिशन रहे तो पी आर ई पी लिखना है इस तरह से, और कंजक्शन रहे तो के ओ एन जे लिखना है, इंटरजेक्शन रहे तो आई एन टी ई आर लिखना है, अगर आर्टिकल रहे तो ए आर टी लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं ही इज माई फादर, तो ही आप जानते हैं ये प्रोनाउन है, क्या है ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में प्रोनाउन का लिखना होगा पी आर ओ, पी आर ओ ये प्रोनाउन है, ठीक है, और इज जो है यहाँ पे वर्ब है, ये मेन वर्ब है तो आप भी लिख दीजिए वर्ब, और माय, माय के बाद फादर है जो कि नाउन है, तो माय क्या है यहाँ पे, माय एडजेक्टिव है, माय क्या है एडजेक्टिव, तो आपको शॉर्टकट में लिखना है ए डी जे, ए डी जे एडजेक्टिव, और फादर क्या है नाउन है, तो आपको एन लिख देना है इस तरह से। देखिए राम हैज अ कैट यानी कि राम के पास एक बिल्ली है, यहाँ पे देखिए राम क्या है नाउन है, राम क्या है नाउन है, और हैज क्या है ये जो है वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, और अ क्या है ये आर्टिकल है, अ एंड द आर्टिकल तीन होते हैं, तो अ क्या है आर्टिकल, तो इसके लिए आपको आर्टिकल लिखना होगा यानी ए आर टी, ए आर टी शॉर्टकट में लिखना होगा, और कैट क्या है नाउन है, नाम इस तरह से लिखना होगा, और यहाँ पे जो है इस तरह से पॉइंट डालना है, ठीक है, ये पूरा नाम नहीं है शॉर्टकट में, इसलिए सभी में जो है पॉइंट डालना है। दीज आर ब्यूटीफुल पेंस ये सुंदर कलमें हैं, यहाँ पे देखिए दीज के बाद आर है, कोई नाउन नहीं है, तो दीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीज हो जाएगा प्रोनाउन, दीज हो जाएगा प्रोनाउन, ये जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, और आर जो है वर्ब है, ये वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है ये पेन की विशेषता बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या है, और इसके बाद देख रहे हैं पेंस है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, और पेंस हो जाएगा नाउन, ये नाउन है। आगे देखिए हु आर यू तुम कौन हो, तो हु के बाद आर है, तो हु क्या हो जाएगा प्रोनाउन, हु हो जाएगा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, और आर जो है वर्ब है, ये वर्ब है, और यू है प्रोनाउन, ये भी जो है प्रोनाउन है इस तरह से। आगे देखिए इच बॉय हैड अ पेन, प्रत्येक लड़का को एक कलम था, इच बॉय, इच के बाद बॉय है, तो इच क्या हो जाएगा यहाँ पे, इच हो जाएगा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, और बॉय है नाउन, बॉय क्या है नाउन है, और हैड जो है ये वर्ब है, हैड क्या है वर्ब है, और यहाँ पे अ क्या है आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, और पेन क्या है नाउन है, पेन है नाउन। द पुअर गर्ल हैड नो मनी, यहाँ पे देखिए द क्या है, द जो है आर्टिकल है, आपको बताए हैं आर्टिकल तीन है ए एन द, तो द क्या है ये आर्टिकल है, और पुअर, तो पुअर ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, इस गर्ल की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है, गर्ल है नाउन, और हैड क्या है ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और नो क्या है, नो के बाद देखिए मनी, मनी जो कि नाउन है, तो नो हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और मनी क्या है नाउन, मनी है नाउन। दिस बुक इज माइन, दिस के बाद देखिए बुक है, तो दिस क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव, और बुक हो जाएगा नाउन, बुक नाउन है, और इज जो है वर्ब है, और माइन ये प्रोनाउन है, ये क्या है प्रोनाउन। सी राइट्स ब्यूटिफुल्ली, सी, सी यहाँ पे देखिए तो ये जो है प्रोनाउन है, सी क्या है प्रोनाउन है, और राइट्स ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ब्यूटिफुल्ली आप पढ़े होंगे, ब्यूटिफुल्ली क्या है ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, ब्यूटिफुल्ली क्या है, ब्यूटिफुल्ली आपका यहाँ से एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडवर्ब, तो एडवर्ब का आप शॉर्टकट पर लिखेगा ए डी वी, ए डी वी एडवर्ब, ए डी वी। ही विल कम टूडे, ही विल कम टूडे, ही यहाँ पे ही क्या है प्रोनाउन है, ही क्या है प्रोनाउन है, और बिल जो है वर्ब है, बिल क्या है वर्ब है, और कम भी जो है वर्ब है, कम वर्ब है, ये जो है मेन वर्ब है, और ये जो है सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो और टुडे क्या है यहाँ पे, टुडे यहाँ पे आपका एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, टुडे क्या है एडवर्ब। वेयर इज माला, माला कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए वेयर, वेयर क्या है एडवर्ब है, वेयर क्या है एडवर्ब है, और इज क्या है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और माला है नाउन, माला क्या है नाउन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई है जो है प्रोनाउन है, आई है प्रोनाउन, और एम जो है वर्ब है, और गोइंग भी जो है वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, और टू, टू क्या है, टू यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखे प्रीपोजिशन को शॉर्टकट में लिखते हैं
पी आर ई पी, पी आर ई यानी कि प्रीपोजिशन, ठीक है। और स्कूल क्या है, नाउन है, स्कूल जो है नाउन है। राम एंड श्याम नो दिस, राम एंड श्याम नो दिस, राम एंड श्याम यानी राम और श्याम। तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, नाउन है, राम नाउन है और इसको जोड़ रहा है, तो ये जो है कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन, ये कंजक्शन हो जाएगा और श्याम नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नाउन को जोड़ रहा है, आपको पता है दोनों नाउन को जोड़ रहा है, ये समान स्तर के है, तो ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और नो यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, और इसके बाद जो है दिस, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, तो यहाँ पे डू क्या है, ये वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब, और ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन है, कंजक्शन है, कंजक्शन। और डाई क्या है, ये भी वर्ब है। मे आई कमिंग, तो मे यहाँ पे क्या है, ये जो मे जो है ये वर्ब है, मे क्या है, वर्ब है, और आई जो है प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, और कम भी जो है वर्ब ही है, और इन क्या है, इन ये स्थान का जगह का बोध करा रहा है, तो ये जो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब हो जाएगा। अलार्ज माई डॉग इज डेड, यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल जो देख रहे हैं ये विषमादी बोधक का है, अर्थात ये जो है इंटरजेक्शन है, ये क्या है, इंटरजेक्शन, आई एन टी ई आर शॉर्टकट में इंटरजेक्शन। और माई, माई के बाद डॉग है, तो माई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है, माई जो है एडजेक्टिव है और डॉग जो है नाउन है। और आगे देखिए इज यहाँ पे वर्ब है और साथ में डेड भी वर्ब ही है। हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, देखिए हुर्रा, हुर्रा के बाद देखिए ये सिंबल जो देख रहे हैं ये विषमादी बोधक का है, तो हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन है, हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। और आई क्या है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन, और हैव जो है ये वर्ब है, और वॉन भी जो है ये वर्ब ही है, और द क्या है, आर्टिकल है, द आर्टिकल है, और मैच, मैच क्या है, नाउन है, मैच क्या है, यहाँ पे मैच जो है नाउन है, यहाँ पे मैच लिखिए नाउन। अब देखिए आई नो डैट सी कांट हेल्प मी आई, तो यहाँ पे आई जो है ये प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन, और नो जो है वर्ब है, नो वर्ब है, और दैट, दैट यहाँ पे देखिए ये जोड़ने का काम कर रहा है और कोई संबंध भी नहीं बता रहा है, तो ये हो जाएगा कंजक्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कंजक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए कंजक्शन, कंजक्शन। और सी हो जाएगा प्रोनाउन, सी प्रोनाउन हो जाएगा, और कांट जो हो जाएगा वर्ब, कांट वर्ब हो जाएगा, और हेल्प जो होगा वर्ब भी होगा, और मी हो जाएगा प्रोनाउन। आगे देखिए राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम, तो राम यहाँ पे जो है नाउन है, राम क्या है, नाउन है, और इज जो है ये वर्ब है, और यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट दोनों जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे लिखे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। और बट क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो कंजक्शन है, बट क्या है, कंजक्शन, बट कंजक्शन है, और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। आगे देखिए यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू, यू यहाँ पे जो है प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, और विल जो है ये वर्ब है, और पास, पास भी जो है वर्ब ही है, पास क्या है, वर्ब है, और इफ जो है जोड़ने का काम कर रहा है और कोई संबंध भी नहीं बता रहा है, तो ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, और यू यहाँ पे जो है प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, और वर्क जो है ये वर्ब है, और हार्ड क्या है, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, हार्ड एडवर्ब हो जाएगा। स्टे टिल संडे, स्टे देखिए स्टे और टिल जो है यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो टिल तो हो जाएगा कंजक्शन, और स्टे और संडे, स्टे और संडे क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा आपका वर्ब और संडे हो जाएगा नाउन, तो यहाँ पे लिखिए ये वर्ब है और ये हो जाएगा कंजक्शन, कंजक्शन, और ये आपका हो जाएगा नाउन, इस तरह से।